जी 18 मार्च 2022 का जो इंसिडेंट हुआ था मेचुका में, तो स्पीकर का गेट में हुआ था जहाँ चौकीदार लोग रहते हैं जो सेंट्री है। तो 18 मार्च का शाम को लगभग 8 बज गया था शाम का। तो मेरा बहन का बच्चा जो बीमार है, मेडिकल में चुका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ का डॉक्टर जो मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो मेचुका में जो फार्मेसी में नहीं मिल रहा था। तो मेरा बहन ने ईटानगर भेजा दवाई को, स्लिप को बेचकर। जब ईटानगर से स्पीकर सर मेचुका आ रहा था, उस समय स्पीकर का साथ में दवाई को बेच दिया। तो 18 मार्च का जो नाइट में हमको बहन ने कॉल करके बताया, और बहन ये बोला कि स्पीकर साहब जो दवाई को लेने भेजा, एक लड़का को भेजा है, तो शाम को लेने आओ, आज पैकिंग है, कार्टून में पैकिंग है, ऐसे बोला। तो हम लोग कोई 5-4 लीडर ग्रुप में साथ में बैठा था ऐसे डिस्कशन करके। तभी मेरा बहन फिर कॉल आया स्पीकर का, वहाँ जाके जहाँ मैं अपना लोकल विधायक के घर में जाए रेसिडेंट में जाके दवाई को कलेक्ट करने। तब मैंने एक लड़का को दोस्त को लेके गया वहाँ। तो वहाँ का सेंट्री जो एक कॉन्स्टेबल है मेचुका PS का ही है, उन्होंने हमको हम अप्रोच किया उसको पहले, मेरा बहन का जो बच्चा का दवाई जो स्पीकर का हाथ में शाम को कलेक्ट करने आओ बोल के स्पीकर ने कहा, तो उसको मैं यहाँ लेने आया हूँ। तो ये मैं बोला, तो बोला कि ये सेंट्री जो कॉन्स्टेबल है उन्होंने बोला कि स्पीकर फिलहाल नहीं है, वो प्रोग्राम में है, मैदम भी नहीं हो। तो मैं बोला था ठीक है, तो घर में कोई छोटी मैदम भी है उसके उनके हाथ में कोई ना कोई आदमी घर में होगा तो उससे हम कलेक्ट कर लेगा, तो रख दिया होगा। इसे भी मेरा बहन का बच्चा सीरियस स्टेज में। तो मैंने बहुत सारा अप्रोच किया उसको, तो देखा है तो बरामदा में दो जैसे MLA का साइड ड्राइवर लोग था होगा। तो हम देखे आगे ही बढ़ रहा था, हम सिर्फ पूछ के आएगा बोल के, तो वो मना किया नहीं जा सकते। तो हम एक दो कदम ही आगे जा रहा था पूछ के आने के लिए, तो उन्होंने सीधा हमको चैलेंज मतलब टाइप में हमको चैलेंज कर रहा है कि बोल के वो सेंट्री से जाम मार के मेरे पास आया। हम तो रोड में ही था, तो हम दोनों के बीच में कुछ थोड़ा धक्का मुक्की हुआ है हम दोनों के बीच में। तब तक दूसरा वाला सेंट्री ने फ़ोन किया PS में कॉल करके हमको MLA का कंपाउंड घर से हमको रेसिडेंट से हमको उठा के हमको ले गए, अरेस्ट किया। तो अरेस्ट करने के बाद हमको सीधा उठा के ले गया, हम भी कुछ बैठ गया, एक्सप्लेन करने नहीं दिया हमको, गाड़ी में बैठो बोला है। जबकि वो MLA हमका विधायक घर का ये जो गेट का बाहर में मेरा कार को पार्क किया था, तो मेरा कार को उधर ही छोड़ के हम पुलिस का जो गाड़ी से हम PS तक गया। तो हमको वहाँ पहुँचने के बाद हमको मेडिकल ले गया, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पुलिस ने उठा के ले गया। तो वहाँ हम भी पहुँचा, और वो सेंट्री वाला जो जिस लड़का से हम आर्गूमेंट हुआ था, तेला तेली हुआ था, वो भी पहुँचा, दोनों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाए। तो डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर लेट में आया सही, फिर भी डॉक्टर हमको बुलाया, तो चुप आपका बहन तो यहाँ ट्रीटमेंट कर रहा था ना, मेरा हम ही मतलब कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया था, ऐसे बोला। तो हम दोनों का झगड़ा सुन के वो बोला है अब तो अंडरस्टैंडिंग में हर चीज़ होना चाहिए ऐसे ना, हमेशा गुस्सा गुस्सी नहीं होना है वो। तो वो सेंट्री वाला लड़का को भी पतनी लड़का है कॉन्स्टेबल है वो भी, उसको हम बोला देखिए आप ड्यूटी जरूर कर रहे हैं, फिर भी मेरा बहन का बच्चा का जिंदगी को भी समझ देना है ना, इंसान है आप समझ देना है, एटलीस्ट हमको आप बायफोर्स रुकाना, आदमी का दुख तकलीफ को भी आप सीरियसनेस को और इमरजेंसी को आप भी समझना है। हम लोग तो MLA के यहाँ हम हर रोज़ आना जाना रात 12 बजने से भी, ये तो विधायक का घर है ना, ये थोड़ी उसका कोई ऑफिशियल बंगलो नहीं है, हम लोग अपना खास फैमिली जैसे हम लोग रहता है। ऐसा होकर उसमें हम मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया, दोनों वो भी एक्सेप्ट किए, हम अपना ड्यूटी कर आपका तकलीफ को हम समझ खुद समझता है वो भी बोला वो जो सेंट्री वाला कॉन्स्टेबल। तो वहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम लोग लगभग 9 बजे पहुँचा, 9 बजे पुलिस PS में पहुँचा। 9 बजे पहुँचने के बाद तो हमको लोकअप मैदान भी
दाना में लोकअप में डाल दिया पीएस मेचुका में। डालने के बाद 10-15 मिनट हमको लोकअप के अंदर रखा। उसके बाद 9:30 से शुरू किया हमको, वो जहाँ लोकअप में डाला है उसी से फुटेज है, वहाँ से दूसरा रूम में शिफ्ट करके हमको ऐसे पिटा, मतलब हैंग लोखा हाथ में लोखा लगा। उसी से टीवी कैमरा जहाँ हमको लोकअप में डालता है वो रूम में सीसीटीवी कैमरा था, उस रूम से हमको ट्रांसफर शिफ्ट करके जहाँ सीसीटीवी अवेलेबल नहीं वहाँ रख के हमको ऐसे पिटा है कि मतलब हाथ को बांध के पूरा डंटी उंटी लगा के कुछ बोला नहीं। आप वो बोला सर क्यों हम क्यों मर रहे हो, तो आपको मरना ही, आपको हाई लेवल से मरना ऑर्डर है, आपको मरना है हाई लेवल से ऑर्डर है, आपको दुलाई देना है। बस हमको एकदम मतलब बेरहमी से ऐसे अत्याचार किया, मतलब हम उस समय मतलब मेरा सांस भी एक दो बार रुक गया था, लाखी लिया हम अभी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे मतलब जानवर से भी बदतर हमको दुलाई दिया, मतलब एक था ये ला क्या बोलते उसको पूरा जितना वो सिखाए वो एसके सिंह जो जितना उसका ताकत है मतलब पूरा लगा के हमको पीटा है। आप खुद देख रहे हैं मेरा शरीर में, और वो सिर्फ दांती से भी सिर्फ नहीं और लात सात भी बीमार के हमको बहुत सारा 18 मार्च रात का 9:30 से लेके हमको लगभग 12 बजे तक पिटा। 12 बजे हमको फिर रहने दिया 7 बजे सुबह 7 बजे, फिर उससे 9 बजे तक हमको पिटा। ऐसा होकर हमको मतलब एक जानवर जैसे ट्रीटमेंट किया है, टॉर्चर किया है, ऐसे अत्याचार किया है। मेरा मतलब पेशाब लेट्रिन जितना है हमको निकालने तक मरा है। हमको पूरा हाथ को हैंकअप लगा के पूरा घुटने के बल पूरा दंडा घुसा के हमको पूरा मारा है। हमने बोला क्यों मार रहे हैं ना बड़ा, मैंने तो मारदार तो किया नहीं ना, और सस्पेक्ट केस में भी तो नहीं है। जो ऑलरेडी हम लोग का जो आर्गूमेंट्स था जो सेंट्री का साथ हुआ उसमें ऑलरेडी मेरा एक उसमें केस रजिस्टर है, उसमें केस का IPC कोड भी हमको याद है। उसमें US 1447 है, OBLIG 353 है, और 323 है, उसके बाद 506 इंडियन पिनल कोड में मेरा तहत एक सेक्शन लगाया गया है। उससे तो हमको नहीं लगता है कि हम जो भी लॉयर से एक्सपर्ट से हम डिस्कस किया है इसमें हमको थर्ड डिग्री देने का कोई भी सेक्शन नहीं लगाए। तो हमको ऐसे थर्ड डिग्री लगा के मतलब हमको SK सिंह ने पिटा मेचुका PS में, ये बर्दाश्त करने वाला नहीं। हम बच के आया, अभी हम जी कर भी आगे क्या होगा, अपना आपको खुद को गारंटी नहीं दे सकेगा। और कुछ पूछना है तो ये बताइए कि आप जब मेडिसिन लेने जा रहे हैं जी, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेडिसिन लेके आ जी स्टार्ट कर दो जी। आपने कोशिश किया? मैंने बिल्कुल कोशिश किया, हम MLA सर को भी बोला फ़ोन कर दो, बोला उसको सेंट्री उसका रिएक्शन वो रिएक्शन था कि फ़ोन नहीं करेगा। और आप उसको भी बोला आप दोस्त ना आप सर आप जाके भी पूछ दो ना, इतना पूछ देने से भी नहीं होने से हम कर लेने आ जाएगा ना, ये बोला। मैं अप्रोच बहुत किया मेरा तरफ से, तो उन्होंने मना किया। उस समय हम भी टेंशन हो गया, मतलब अपना बहन का बच्चा सीरियस में हमको देख के, तो उसमें हर कोई इंसान मतलब ऐसे टेंशन होगा ये जरा कुछ मुझ में ना, इसलिए वो चीज़ था। इसके बाद 19 का बाद हमको जब हम लोग का जिला परिषद मेंबर 19 का सुबह आया 10 बजे से लगभग आके मेरा हालत को देख के उन लोगों ने प्रेशर दिया हम अपना लोकल MLA को, क्योंकि मेरा हालत नहीं था। इंसिडेंट को बिल्कुल एक घंटे के बाद ही मालूम था बोला है, क्योंकि MLA को किसी इंसिडेंट को मालूम नहीं होगा, क्योंकि MLA का PSO ही मेरा साथ था उस समय हम जब अरेस्ट हुआ था थाना में। तो इसलिए मेरा ये एक दुखी है कि अगर MLA सर ना हमारा हॉनरेबल स्पीकर सर अगर एक इंस्ट्रक्ट करता है वो लोग को कोई भी हो हम जो गलत करने से भी वो अपना आदमी है वो खल के लिए बात कर जो वो पनिशमेंट हमको कोर्ट से मिलेगा ना हमको जो सेक्शन लगाया है। तो MLA सर एक बार हॉनरेबल स्पीकर सर हमको एक इंस्ट्रक्शन देता तो शायद मेरा ऐसे हाल नहीं होता। और स्पीकर सर ये दवाई को भी दिन को दे देता ये नौबत ये इंसिडेंट नहीं होना था। ये इनके बारे में पूरा नॉलेज है, पूरा नॉलेज है, इसलिए हमें एक अफसोस है। 21 को आपको कुछ मीटिंग होने 21 को MLA स्पीकर सर से हम लोग 21 को हम लोग अपॉइंटमेंट था। तो साथ ही साथ 21 से हम लोग का ये पंचायत का जितना भी CM डिस्ट्रिक्ट का उधर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये GPDP का ट्रेनिंग भी चल रहा है। तो उसमें सब मतलब ग्राम पंचायत लीडर सब इकट्ठे होके बैठा था। तब हम लोग डिस्कस किया चलो क्यों ना ग्रुप एक ग्रुप जाकर अपॉइंटमेंट लेके बात कर लेगा।
स्पीकर सर आया ये तो वही था। इसलिए मेरा मेन कुछ भी मकसद नहीं था, मेरा मकसद ये था कि हम सिर्फ ही सिर्फ हम दवाई कलेक्ट करना है, मेडिसिन कलेक्ट करना है बहन का बच्चा के लिए, और कोई इंटेंशन नहीं था। एमएलए से दूसरा काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी बात करने नहीं गया था, सिर्फ मेडिसिन को लेके, मेडिसिन को ही लेके हम पहुँचाना था, वापस आना था। इतना मेन जो इंसिडेंट का कारण यही था, मेडिसिन था और कुछ नहीं। अभी क्या अभी वही है, मेरा भाई ने ये, हम स्पीकर सर से अभी कुछ नहीं बोलूँगा, हमको एक अभी जस्टिस चाहिए। हमको ऐसे थर्ड डिग्री से जो पुलिस पर्सनल एस के सिंह जो मैच का पी एस का ऐसे बेरहमी से पिटा, हम इंसानियत लाइक नहीं है। अभी हम खुद को ऐसे महसूस कर रहा है और देखने वाला भी ऐसे देख रहा है, तो हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते। फिर हम लोग ने, हमको जो जस्टिस चाहिए, जो हम जो ह्यूमन राइट कमीशन में हम लोग ने, मेरा भाई ने फाइल किया है, अपील किया है, तो वो कहाँ तक करता है, हमको जस्टिस दे पाता है कि नहीं। और जितना तक सेक्टर एसोसिएशन है, एन जी ओ से, और यहाँ के लोग जनाब स्टूडेंट यूनियन से, उन लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमको जरूर जस्टिस दिलाएगा इस चीज़ को। जस्टिस इन द सेंस जो एस के सिंह हैं, जो वो पुलिस पर्सनल है, वो सी ओ मी डिस्ट्रिक्ट में रहना ही नहीं, जब तक हम यहाँ ट्रीटमेंट का पीरियड के अंदर वहाँ से मैच हुआ, सी ओ मी से गायब होना चाहिए, टर्मिनेट करके या फिर कई भी तरीक़ा से वहाँ से गायब होने। मेरा तरफ से यही जस्टिस चाहूँगा और स्पीकर से भी यही उम्मीद करूँगा, आप ऐसे पुलिस पर्सनल को, पब्लिक को, मतलब इतना बेरहमी करने वाला को आप वहाँ रहने देना नहीं। मेरा तरफ से यही अपील रहेगा स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर सर से। थैंक यू, थैंक यू। टुडे आई हैव कम टू मीट द विक्टिम ऑफ वायलेंस एंड एट्रोसिटी एग्जीक्यूटेड बाय लॉ एस्टैब्लिशमेंट, law enforcement agency which happened in Siomi district, and it is heard that the victim is a Gram Panchayat member. Since I am in charge of Panchayati Raj institution all Arunachal as a vice president Arunachal Pradesh Congress committee, to ye mera duty, mera farz rehta hai ki main isi vishay par dhyan du aur us area pe kaam karu, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, पीपीए की हो, एनपीपी की हो, टीएमसी की हो, जेडीएस, जेडीयू, किसी भी पार्टी को हो, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि हमारे यहाँ जो पंचायत लेवल में जो मेंबर्स है, वर्कर्स है, सबका ध्यान रखे, सबके साथ मिलके काम करे, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल में अगर काम होगा तभी जाके हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा। तो उसी हिसाब से अपना ड्यूटी करते हुए मैं यहाँ मिलने आई हूँ मिस्टर पादू जी से, जो विक्टिम है। तो देख के तो ये लग रहा है कि उसको बहुत मारा गया है, बहुत पीटा गया है, तो अब कौन गलत है ये तो पता नहीं, बट जब विक्टिम को देखा जाता है और उसके जो सेल्फ वर्ड हैं एंड देन उसके रिलेटिव्स हैं, उन्हें तो ये पता चलता है कि द विक्टिम वेंट टू स्पीकर्स हाउस टू टेक द मेडिसिन फॉर हिज सिस्टर्स डॉटर, अपनी बहन की बेटी के लिए दवाई लेने के लिए गया था, जो कि बहुत बीमार है। तो उसी में शायद होम गार्ड और पुलिस वाले से अनबन हो गया था, तो उसी में शायद कुछ टेम्परामेंटल इशू होगा। अगर इशू होगा भी है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वालों को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर किसी बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया है तो इतना ब्रूटली, इतना ब्रूटल एट्रोसिटी नहीं करना चाहिए था। उसको सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था। एवरी प्रिजनर या कोई क्रिमिनल भी हो, उनका राइट बनता है कि वो अपने लिए एक अटॉर्नी अपॉइंट करे, ताकि उसके जो लीगल राइट है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन, वो अपना लीगल राइट, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम द एट्रोसिटी, द वायलेंस जो होता है जेलों में या थाना में, तो उसे प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा अटॉर्नी उसको रखने का भी पूरा राइट था, वो नहीं हुआ। उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया, सीधा सीधी लेके गया, हैंडकप पहनाया, फिर पीटा गया। दिस इज़ द वर्जन ऑफ द विक्टिम एंड हिज रिलेटिव। तो अगर ये इस कहानी, इस स्टोरी के बेसिस पे जाए तो ये बहुत ही, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है। यहाँ तक कि दिस इंसिडेंट अट्रैक्ट्स एससी एट्रोसिटी एक्ट, फिर प्रिजनर एक्ट भी है, उसका भी वायलेशन हुआ है।
और ये वायलेशन जो है आई नेवर एक्सपेक्टेड एज अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट एंड दिस कंट्री नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम टू बी एग्जीक्यूटेड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी. तो फिर अब ये भी सुनने में आया है कि ही वॉज टू टाइम आंचल मेंबर, आंचल समिति के मेंबर थे, अभी पंचायत ग्राम पंचायत के मेंबर हैं. तो ये सुनने में आया किसी रिलायबल सोर्सेज से कि उस डिस्ट्रिक्ट में, सीओमी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पंचायत से रिलेटेड जो ग्राउंड लेवल में है, जो पंचायत से रिलेटेड पॉलिसीज एंड स्कीम्स एंड प्रोग्राम वॉज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एज फार द जो भी है जो गाइडलाइन है. तो उसी बेसिस में सारा ग्राम मेंबर जितने भी है पंचायत, दे वेर लाइक यू नो दे कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी एंड हेडेड बाय द विक्टिम इटसेल्फ मिस्टर पादुजी. एंड अभी कुछ समय, एक दो हफ्ते के बाद डायलॉग होना था वहाँ के कंसर्न एमएलए से. तो क्या पता उसी बेसिस में भी शायद कुछ हुआ होगा, नोबडी नोज अबाउट इट, क्योंकि बहुत टेंशन चल रहा है वहाँ डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारा यू नो नाखुश है लोग वहाँ पे कि ग्राउंड लेवल में कुछ काम नहीं हो रहा है. दो दे में बिलोंग टू सेम पार्टी और मे बी अदर पार्टी. तो ये भी एक रीज़न है विच आई गॉट टू नो. और बाकी तो वही, अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो नो बडी हैज़ द राइट टू यू नो टॉर्चर अनादर ह्यूमन बींग, यू नो एग्जीक्यूट सच अमाउंट, सच हाइएस्ट लेवल ऑफ एट्रोसिटी ऑन अनादर बींग. दैट्स इट. जो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, जो हमारा एक तोचुक पादु, जो हमारा वहाँ का ये लिपुसी और ये पादुशाह का ग्राम पंचायत मेंबर है, उसको लेकर यहाँ पे आया हुआ है. तो हम लोग विजिट किया हुआ है उसको. तो यहाँ पे देखा है तो बहुत ही क्रिटिकल वो सिचुएशन में है वो जो विक्टिम जो, और जो अभी सुनने में आया एक्स के सिंह बोल के इसको, ये जो भी हुआ इंसिडेंट को पिटाई, मतलब उसको मारपीट किया है बोला है उसको. तो ऐसे इंसिडेंट हम लोग का तरफ से बिल्कुल स्टूडेंट यूनियन का तरफ से टॉलरेट नहीं करेगा. और अभी जब ये विक्टिम को देखे तो बेचारा लेटने भी नहीं सक रहा ऐसे सिचुएशन में. तो हम लोग इसको लेके अभी इमिडिएटली एक ये वो सबमिट किया है रिप्रेजेंटेशन, या फिर अल्टीमेटम कह लो, ये डीसी को सबमिट किया है. कल तक ये रिसीव हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग व्हाट्सएप का थ्रू ही रिसीव करवा रहे हैं. तो उसके लिए अभी हम लोग एक हफ्ता का समय दे रहे हैं. तो हम लोग तीन पॉइंट मेंशन करके रखा हुआ है हमें. तो एक इंक्वायरी कमिटी सेटअप करना है ये एस के सिंह का ऊपर, और उसका ऊपर उसका बाद सस्पेंशन ऑफ एस के सिंह, मतलब जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होता है एस के सिंह को सस्पेंशन में रखना है, और एस के सिंह का ऊपर एक FIR लॉन्च होना है. ये हम लोग का डिमांड है. अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो हम लोग कल को जाके डेमोक्रेटिक मोमेंट एट एनी मोमेंट एनी वो करा सके कराएगा और एनी डेप्थ तक जाएगा हम लोग. आप लोग की तरफ से जो होम डिपार्टमेंट, जो मतलब पुलिस प्रशासन को लेके होम डिपार्टमेंट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो होम डिपार्टमेंट को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? होम डिपार्टमेंट से हम लोग का अपील यही है और रिक्वेस्ट भी, ये एस के सिंह को लेकर जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है और एस के सिंह को जो इसका ये सज़ा नहीं मिलता है, तो उसको एस के सिंह को इधर उधर कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए. ये हमारा मांग है, डिमांड है एंड रिक्वेस्ट भी है हमारा ये होम मिनिस्टर ये बामा फेलिक्स जी को. तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो तजुक पादू का ऊपर में जिस तरह से जो हाथ अफाया किया गया है एस के सिंह ने, तो एस के सिंह ने जब उनको जब लोकअप में जब रखा, वो कुछ मतलब कह रहे थे कि हाई लेवल से कुछ उनको जो ऑर्डर दिया गया है इसके लिए वो उनको जो हाथ अफाया कुछ लाठीचार्ज मतलब कर रहा है. तो आपको क्या लगता है, मतलब बींग आप एक मतलब प्रेशर ग्रुप होने का नाते आपको क्या लगता है कौन हो सकता है ऊपर वाला? ऊपर वाला बोलने से तो एक्चुअली इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है. एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ ऐसे प्रेशर ग्रुप. तो ऊपर वाला बोलने से वो तो इंक्वायरी का बाद ही पता चलेगा, इसलिए हम लोग एक इंक्वायरी कमेटी डिमांड किया है. और हम लोग टीम ऑल सीओमी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन इसका डेप्थ तक जाके रहेगा और तोचुक पादू का हम जस्टिस दिला के ही रहेगा. अकॉर्डिंग टू विक्टिम उनका ये कहना है कि जो आपका लोकल MLA वो भी अवेयर है, आप लोग क्या उनको रीच आउट करने ट्राई किया? देखिए हम लोग का वहाँ पे कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम है, आउटगोइंग को लेकर कॉल सॉल भी नहीं लगते हैं. तो हम लोग यहाँ से हम लोग कोशिश किया है
तो इवन नॉट इवन ओनली मी माई प्रेसिडेंट हु इज रिसाइडिंग राइट नाउ एट आलो, तो भी उन्होंने भी बहुत कोशिश किया बट कुडन रीच. तो उसका मतलब ये जब सोर्स से मतलब ये जब कनेक्ट हो पाएगा तभी पता चलेगा कि क्या ट्रूथ है क्या सही वो गलत है.